नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आज फ्राइडे है और आपने ओटीटी को एंजॉय किया होगा और एक वेब सीरीज जिसका आप अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, द फैमिली मैन सीजन 2, उसको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ देखिए मेरे साथ। 9 कड़ियों की करीब 425 मिनट की ये सीरीज कहती है कि हिंसा ही हिंसा को रोक सकती है। ये वेब सीरीज कहती है, इसकी स्टोरी कहती है। इस दर्शन के साथ फैमिली मैन का दूसरा सीजन जो है शुरू होता है। और सचमुच जब लास्ट कड़ी मैं देखती हूँ तो हिंसा से ही इसका अंत होता है। और जिन लोगों ने पहला सीजन देखा है वो जानते हैं कि हिंसा से ही इसका स्टार्ट होता है और हिंसा से ही सेकंड सीजन जो है वो ख़त्म होता है। मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपना एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ते हैं, लेकिन जो दूसरे साथी कलाकार हैं उनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है जितना मनोज ने यहाँ दिखाया है। आपको अमेजन प्राइम वेब सीरीज फैमिली मैन के सीजन 2 का इंतज़ार तो था, लेकिन ये जान लीजिए कि ये उतना मज़ेदार नहीं है जितना कि सीज़न 1 था। इसे सिर्फ आप एक क्यूरियोसिटी के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली सीज़न में देखा था कि जहाँ पिछले सीजन की स्टोरी ख़त्म होती है वहाँ पे उसके पारिवारिक जो कलह है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप ये सोचते होंगे कि जो इसका अगला वर्जन है, जो अगला सीजन है, उसमें वो फैमिली मैन बन पाते हैं या नहीं, वो अपनी फैमिली को संभाल पाते हैं या नहीं। और पहले सीजन में दिल्ली में आतंकवादियों से बहुत बड़ी मात मिल रही है उनको, तो दूसरे सीजन में क्या होता है, उनकी मनोज की जो वाइफ है सूची, उनके साथ उनकी गृहस्थी की गाड़ी ट्रैक पे आती है या नहीं, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का कोई तसल्लीबख्श जवाब सेकंड वर्जन नहीं दे पाता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। फैमिली मैन का दूसरा सीजन कई जगहों पे पहले को याद करता है, पहले वाले सीजन को याद करता है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। पुराना थ्रिल बिल्कुल गायब है और मनोज बाजपेयी कहीं कहीं इसको पर्दे पे लाने में कामयाब दिखाई देते हैं। और फेमस तमिल अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी अपना बेहतरीन करती हैं, लेकिन उनके हिस्से में जो उनका किरदार है वो एक सख्त जान सताई हुई और बदले की आग में जलती हुई युवती का सिंगल ट्रैक ऑडियंस को मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएगा। मुझे इस फिल्म में उनका इम्प्रेशन ज़्यादा सही नहीं दिखा। और मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बेहतरीन है, शानदार हैं, ये मैं कह सकती हूँ। फैमिली मैन बनने के लिए मनोज वाजपेयी यहाँ अपनी NIA की नौकरी छोड़ करके एक IT कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं 9 to 5 में, लेकिन इस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को फिट नहीं बैठा पाते, क्योंकि उनकी ना किसी से बात होती है, जो साथी लोग हैं, जो साथी लड़के लड़कियां हैं, वो उनको उनमें अपने पिता की झलक देखते हैं, यानी कि जेनरेशन गैप। मनोज का भी इस दफ्तर में मन नहीं लग रहा है और अक्सर वो अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं, JK को याद करते हैं। असल में उनकी दुनिया वही है जहाँ पर अपराधियों को सबक सिखाया जाता है। 9 कड़ियों की लगभग 425 मिनट की ये सीरीज ब्रेक ले लेकर चलती है और हर बार हमें ये लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर किसी न किसी पुराने सीन की एंट्री हो जाती है। लिट्टे से प्रेरित संगठन की गतिविधियों के बीच भारत श्रीलंका के संबंधों की बात भी होती है, राजनीतिक बातों में नए सीजन की शुरुआत भी होती है। इस संगठन के तार उत्तरी श्रीलंका से होते हुए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से लंदन और फ्रांस तक अपना जाल बिखेरे हुए हैं और पाकिस्तान की ISI का एजेंट भी यहाँ पे मौजूद है,
जो तमिल संगठन लीडर को भारत विरोधी षड्यंत्र के लिए उकसाता रहता है और उसकी मदद करता रहता है, आगे तमिलों के दर्द को कश्मीर के मुसलमानों के साथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, और सलमान मिशन के तहत कैसे धरती को एक झूठे प्यार में फंसाया जाता है। श्रीकांत और सूची की जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक साइकेट्रिस्ट की एंट्री हो चुकी है और वो उनके मुद्दों पे बात कम करता है, लेकिन उनकी जो सेक्स लाइफ है उसमें उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है। ये भी देखने वालों को एक अलग फील देगा। एक और बात, फैमिली मैन सीजन टू में जो एक धार थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो गायब है। दरअसल कागज़ पे कहानी को और स्क्रीन पे एपिसोड को एकदम कसे हुए डायरेक्शन में ढालना एक मुश्किल काम होता है, और इसकी ज़रूरत थी यहाँ, लेकिन ये गायब मिलता है। फैमिली मैन सीजन टू को एक साधारण सीजन से ज़्यादा ऊपर हम नहीं माप सकते। पहले सीजन के विपरीत दूसरे सीजन की कहानी का ट्रैक ऐसा लगता है मानो किसी ने अपना कोई जोखिम भरा काम, कोई रोमांचक काम छोड़ दिया हो और फिर वो 9 से 5 की नौकरी कर रहा हो, जैसा कि मनोज ने बीच में इस सीरीज़ में एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली है और ऐसा दिखाया जाता है, और उसके बाद उसका वहाँ मन नहीं लगता। तो ये इसका जो इस पिक्चर का जो अंत है ये आपको यही फील दे करके छोड़ देगा। ये रिव्यू मेरा अपना माइंडसेट है, आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट इसे आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सीज़न टू, फैमिली मैन सीज़न टू को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है। फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।